हेलो गाइस, अगर आपका एनसीबी बैंक का एटीएम ब्लॉक हो गया है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको अपने मोबाइल से ही अपडेट कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपका एकामा एक्सपायर होता है और आपका कफ़ील उसको रिन्यू कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है, इसीलिए आपका एटीएम भी बंद कर दिया जाता है। आप उसको एनसीबी बैंक के ऐप के थ्रू उसको फिर से अपडेट कर सकते हैं और फिर से यूज़ कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं प्ले स्टोर में और यहाँ टाइप करते हैं एनसीबी बैंक ऐप, और ये सबसे ऊपर वाला ही ऐप है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। और यहाँ लॉगिन करना रहता है, आईडी बनाना रहता है। अगर आईडी नहीं बनी हुई है तो फास्ट लॉगिन पे क्लिक करके हम कार्ड का नंबर यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। ये जो एंटर कार्ड नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको अपना कार्ड का नंबर एंटर करना है, जो कि हमारे एटीएम कार्ड के ऊपर 16 अंकों का एक कार्ड नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए हम एंटर कर लेते हैं। और उसके नीचे एंटर पिन जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको वही पिन डालना है जो एटीएम मशीन में डाला जाता है पैसे निकालते टाइम। चलिए हम एंटर कर लेते हैं। अब हम अपना पिन डाल देते हैं। ये मेरा हो गया पिन। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरा जो सिम का नंबर बैंक में लगा हुआ है वो मेरे मोबाइल में है, इसीलिए अभी ओटीपी आएगा मेरा सिम के ऊपर। ये ओटीपी आने वाला है, अभी आ जाएगा, ये बैंक की तरफ से आता है, ये ओटीपी आ गया है और हम इसको अलाउ कर देते हैं। ये मेरा ऐप का इंटरफेस है, देखिए खुल चुका है ऐप। मेरे अकाउंट में ये इतना ऊपर पैसा पड़ा हुआ है, ये सऊदी रियाल है और ये क्विक पे अकाउंट है मेरा। तो ये जो आपको राइट साइड में ऊपर 3 लाइन दिख रही होंगी, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपके आगे ये मेन्यू आ जाएगा और हमको सेटिंग के अंदर जाना है। ये सेटिंग है, आपको इसके अंदर जाना है। सेटिंग किया, स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं सबसे ऊपर से सेकंड आईडी एक्सपायरी अपडेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारी आईडी एक्सपायर हुई है या नहीं हुई है। अगर ये रेड कलर का है तो आईडी एक्सपायर हो चुकी है, अगर ये ग्रीन कलर का है तो एक्सपायर नहीं हुई है। हमारा रेड है यानी हमारा आईडी एक्सपायर हो चुका है, हमारा एटीएम कार्ड से पैसा नहीं निकलेगा। हमको नीचे अपडेट आईडी एक्सपायरी नीचे लिखा हुआ है, हमको उसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है। तो चलिए हम अपडेट कर देते हैं। ये हमने अपडेट कर दिया है, नेक्स्ट तारीख जो है नेक्स्ट डेट लिख के आ गई है कि अब दोबारा कब एक्सपायर होगा। मेरा 12वें महीना 2021 में अब एक्सपायर होगा। तो चलिए कंफर्म कर देते हैं हम। ये हमने इसको कंफर्म कर दिया, अब हमारा एटीएम कार्ड यूज़ करने के लिए तैयार है। ये पीडीएफ की फ़ाइल में सेव भी कर सकते हैं इस पूरी स्लिप को, और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने अपना एक्सपायरी अपडेट कर लिया। तो ये सारा प्रोसेस था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। लाइक करने से हमको थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमको फीडबैक मिल सके और हम उसी टॉपिक को कवर कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।